अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ मटन यखनी पुलाव। अब एक प्रेशर कुकर में आधा किलो मटन लें, वो डाल दें और दरमियाने साइज़ की प्याज काट कर वो भी डाल दें और चंद जवे लहसुन के। अब इसमें साबुत गरम मसाला डाल दें, और चार ग्लास पानी शामिल कर दें। अब इसमें एक चम्मच नमक और एक चम्मच काली मिर्च ऐड कर दें। प्रेशर को 5 मिनट के लिए वेट दे दें। अब एक देशकी लें, उसमें 1 कप तकरीबन कुकिंग ऑयल ले लें। और एक बड़ी प्याज लें, उसको इसमें फ्राई कर लें। जब प्याज अच्छी तरह गोल्डन हो जाए तो इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दें और थोड़ा सा भून लें, और साथ ही थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें। अब इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें और अच्छी तरह भून लें। चंद दाने आलू बुखारे के डाल दें। अब इसमें टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर दें। अब इसमें हसबे ज़ायका नमक डाल दें और साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दें। अब इसमें मटन डाल दें और इसको अच्छी तरह भून लें। जब मटन अच्छी तरह भुन जाए तो इसमें आधी प्याली दही ऐड कर दें। अब इसमें यखनी ऐड कर दें और पानी को उबाल आने तक वेट करें। जब पानी को उबाल आ जाए तो इसमें 2 ग्लास चावल जो हमने भिगो कर रखे थे वो शामिल कर दें। जब पानी कुछ खुश हो जाए तो 5 मिनट के लिए दम पे लगा दें। अब हमारा मटन यखनी पुलाव तैयार है।